चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर एक प्रीवियस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें पूरी कर चुके हैं, बोहर पूरा कर चुके हैं, रिडबर्ग्स फार्मूला हम लोग पूरा कर चुके हैं। लास्ट की क्लास में हमने रिडबर्ग्स फार्मूला पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटैम्प्ट मारे थे और सारे हो भी रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कहाँ, एक बार आगे। और एक प्रीवियस टॉपिक हमारा जो रह गया था या जिसकी बात करनी थी, उसकी बात एक बार कर लेते हैं। देखो, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करवाई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर एक बात थी कि जो एनर्जी एमिट होती है वो कॉन्टिन्यूअसली होती है। ठीक है। और एक और बात इसने कही थी कि ये जो एनर्जी एमिट हो रही है ये इंटेंसिटी डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है बेटा? ये इंटेंसिटी डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो हमने कुछ बातें, अच्छा इसमें और भी बातें थी, वो सही थी, है ना। ये बातें तो मैंने वो पकड़ी हैं जो जिस पे मैं मतलब अगला टॉपिक इसके रेफरेंस में देने वाला हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं, अगर मैं इसकी किसकी बात करूं बेटा, लिमिटेशंस की बात करूं, तो लिमिटेशंस में एक टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप क्या कर चुके हो और वो कैसे इसकी लिमिटेशन है, आपको पता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अरे जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी पे तो डिपेंडेंट नहीं होता। इसका मतलब ये टॉपिक ऊपर वाले टॉपिक की क्या हो गई, लिमिटेशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ईएम वेव कह रहा था कि रेडिएशन एमिट हो रही है कॉन्टिन्यूसली। क्या हो रही है? रेडिएशन एमिट हो रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही। कॉन्टिन्यूसली का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी जाई जा रही है। तो ये कह रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ा दी जाएगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? अब अगला एक टॉपिक जो आज मैंने आपको पढ़ाना है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और मैं सिर्फ ना आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन ही दे रहा हूं। ये मॉड्यूल के पेज नंबर 32 से आप लोग नोट कर लेना, होमवर्क में है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी लिमिटेशन है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। कैसे? अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी का अर्थ होता है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। क्या होती है बेटा? परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट होती है। ये लाइट को एब्जॉर्ब पूरी कर लेती है। और अगर कोई स्पीशी लाइट को एब्जॉर्ब ही कर रही है खाली, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लैक बॉडी। पूरी कंप्लीट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब कोई स्पीशी अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो लाइट को क्या करेगी बेटा, एमिट करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बॉडी के नाम पे आप लोगों ने आयरन की रॉड ले ली। आयरन की रॉड को आपने बोला कि ये ब्लैक बॉडी है क्योंकि ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रही थी पूरी की पूरी। और फिर ये लाइट क्या करेगी, साथ ही साथ एमिट भी करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लगाई जाए तो ये भी कह रही थी कि लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, एमिट भी करेगा। पर इसने कहा था कि कॉन्टिन्यूअसली करेगा। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब है कि इंटेंसिटी जो एमिटेड लाइट की है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर मैंने आपको कहा कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपने देखा कि आपकी आयरन रॉड टेम्परेचर बढ़ाने पर गर्म हुई, गर्म होके पहले लाल हुई, लाल होने के बाद ऑरेंज हुई, येलो हुई। अरे बोलो यार, कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है मतलब एमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो यार।
तो यहां पे क्या कॉन्टिन्यूअसली एमिट हो रही है? कॉन्टिन्यूअसली नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली का अर्थ है सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ एमिट नहीं हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी आप लोगों की बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी क्या हो जाती है इसकी लिमिटेशन। फिर प्लैंक ने तो कहानी खत्म ही कर दी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था कि वेव के अंदर तो क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, तो पैकेट ऑफ एनर्जी आ गए तो वेव तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं ना। उसने तो थ्योरी में ही कह दिया था कि वेव जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये आप कहानी किसकी लिमिटेशन में काउंट कर सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। इसके नोट्स एक बार आप लोग बना लेना, इसको नोट कर लो जितना करते हो एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटू सा टॉपिक है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, जो कि रिलेटेड है हमारा हमारे रिडबर्ग फॉर्मूला वाले टॉपिक से। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी आ जाए, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 5, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कैलकुलेट बेटा जी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को आपको कैलकुलेट करना है। सुनिए देखिए कैसे करोगे, n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला है और पेपर में स्कूल के आता जरूर है। तो 5 को यहां डालें, एन वन को यहां डालें, एन टू बड़े वाले को मान लें, एन वन छोटे वाले को मान लें। अपॉन 2 कर दें, 4 5 जा टी बाय 2 10 आ गए। ठीक है बेटा जी, ये फॉर्मूला किसका है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। बस इसको एक बार और नोट कर लें, फिर अपन लोग बढ़ते हैं आगे। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं। चलिए देखिए इसके बाद अपन लोग करेंगे बेटा एक डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट जी का नाम क्या था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इक्वेशन बनाएंगे अब हम, और डी ब्रोगली इक्वेशन आपको क्या बताएगी? ये आप लोगों को पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर बताएगी। मतलब ये पहला साइंटिस्ट था जिसने मैटर के पार्टिकल और वेव नेचर पे एक बहुत ही प्यारा सा डिस्क्रिप्शन दिया था। कहने का मतलब इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, उसने केवल वेव के बारे में बातें करी। प्लैंक आया तो प्लैंक ने ज्यादातर पार्टिकल नेचर के बारे में बात करी, फोटोन के बारे में बात करी, बोलो यस और नो, मैटर के बारे में कोई बात नहीं करी। तो डी ब्रोगली ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मैटर के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का एक प्यारा सा इलेबोरेशन हमको दिया। कैसे दिया? अब देखो ध्यान से,
मैंने बोला, अच्छा डी ब्रोगली भाई थोड़ा शाना भी था, डी ब्रोगली ने कहा कि प्लैंक ने ना एक काम किया था, एक एनर्जी का फॉर्मूला दिया था फोटोन्स वगैरह के लिए, उसको क्या बोला था, इज इक्वल टू एच न्यू, और मैटर के लिए आइंस्टीन ने काम किया था, मैटर मतलब थोड़े बड़े पार्टिकल के लिए किसने काम किया था, आइंस्टीन ने काम किया था, आइंस्टीन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कहता इसने ये फॉर्मूला दिया, उसने वो फॉर्मूला दिया, अगर पार्टिकल नेचर है तो कहीं ना कहीं उस पार्टिकल के लिए आइंस्टीन की बात भी वैलिड होगी, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब डी ब्रोगली शाणे ने दोनों के काम को क्या कर दिया, इक्वेट। तो अब एच न्यू, न्यू को क्या डालोगे बेटा आप लोग, सी बाय लैम्डा, अरे क्या डालोगे बोलो यार, सी बाय लैम्डा, सी से सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल, लैम्डा को ऊपर ले जाओ, लैम्डा क्या हो गया एच अपॉन एम सी, सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, पर अगर पार्टिकल कुछ और है तो उसकी कुछ भी स्पीड अगर आगे पीछे करनी है तो एक फॉर्मूला बना लो बेटा, लैम्डा इज एच अपॉन एम वी, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, तो पहला फॉर्मूला ये रहा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये ठीक है, अरे बोलो यार। अब ये फॉर्मूला आपको क्या डिस्क्राइब करता है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, ये फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है, ये फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस अगर आपको कभी देना पड़ जाए तो आप ऐसे कहना कि भाई साहब अगर मास है मेरा, फॉर एग्जांपल संयम भाई है हमारे, संयम भाई अब रास्ते पे जा रहे थे तो क्या वो वेव बनाते जा रहे थे, क्या वो लहरते जा रहे थे, बोलो यार ये सॉल्व नो, अरे बोलो यार नहीं, संयम भाई लहरता हुआ नहीं जा रहा था, अगर संयम भाई लहरता हुआ नहीं जा रहा था तो डी ब्रोगली क्या कहता है, चलो डी ब्रोगली कहता है कि संयम भाई लहरता हुआ इसलिए नहीं जा रहा, या तुझे दिख नहीं रहा कि ये लहर रहा है, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, मास संयम भाई तेरा कितना मास है, 60 किलो का तो होगा तू, हाँ 60 किलो का है ये संयम, 60 केजी, और एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻³⁴ केजी, तो वी वेलोसिटी कितनी स्पीड से जाना चाहता है तू, चलो 100 किलोमीटर से, इसको किसी गाड़ी पे बिठा देते हैं बढ़िया वाली, ठीक है 100 किलोमीटर इसकी वेलोसिटी है, मास इसका है 100 किलो, तो भी आप ये देख लो कि ये एच की वैल्यू अभी भी कितनी ज़्यादा वैल्यू माइनस में रहेगी, ऊपर 10⁻³ था ना इधर, अरे यस और नो यार, तो 10⁻³ ऊपर था, वेवलेंथ इतनी ज्यादा कम आ रही है, आंसर जब इसका आंसर निकालोगे तो वो जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई 10⁻⁻ में इतना ज्यादा होगा कि लैम्डा जो है वो नेग्लिजिबल होगा, पर अगर वहीं अब संयम भाई हमारे नहीं जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा 9.1 × 10⁻³⁹ केजी, −31 से −34 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो काफी ज्यादा अब फर्क आ गया है लैम्डा में, लैम्डा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अगर मैं बात किसकी कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूं, क्या आपको फंडे समझ में आ रहे हैं, यस और नो, अरे बोलो यार, तो लैम्डा एप्रिशिएबल किसके लिए आएगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए आएगा बेटा, लाइक आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, लाइक आपका प्रोटॉन हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके वेव्स बनाते नजर आएंगे, क्योंकि इनका लैम्डा ठीक ठाक है, ये बात आपको समझा रहा है ये वाला फॉर्मूला, इसीलिए डी ब्रोगली का नाम हुआ, क्योंकि उसने कहा मैटर अगर आपका माइक्रोस्कोपिक है, छोटू है तो वो वेव बनाएगा, और अगर मैटर आपका मैक्रोस्कोपिक है, मोटू है, तो वो वेव बनाता आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके लैम्डा की वैल्यू काफी ज्यादा कम आएगी, क्या आपको बात समझ में आई, अरे बोलो यार ये सॉल्व नो, कभी आपको स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आ जाए शो द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, शायद एनसीईआरटी में दिया हो सकता है, तो यहां मास एक तो इलेक्ट्रॉन का ले लेना,
या फिर आप मास अगर 1 ग्राम का पार्टिकल भी ले लोगे ना, 1 मिलीग्राम का भी ले लोगे और इसको केजी में कर लेना, 10^-6 केजी का पार्टिकल भी ले लोगे तो भी वो माइक्रोस्कोपिक में काउंट होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। माइक्रोस्कोपिक में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट होंगे, तो वो वैल्यू डाल के लैम्डा की अप्रोक्स वैल्यू दिखा के बता देना कि ये माइक्रोस्कोपिक के लिए वेवलेंथ अप्रिशिएबल है और माइक्रोस्कोपिक के लिए अप्रिशिएबल नहीं है। समझ गए ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरी दूसरी बात होगी जिसको मैंने बिल्कुल नहीं लिखवाया, आप खुद लिखेंगे। लैम्डा का एक फॉर्मूला बॉक्स में डाल दिया है। अब सुनिए ध्यान से, एक वर्ड आता है मोमेंटम। क्या वर्ड आता है बेटा? विच इज डिनोटेड बाय पी। तो पी इज इक्वल टू होता है एमवी। मोमेंटम क्या होता है? एमवी, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एच बाय पी। ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला। ये बात ठीक है? एक बार बोर्ड पे देखते रहो, पहले सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ लैम्डा के, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी निकाल लो, टू, चलो वी स्क्वायर कर लो यार, पहले 2KE/m हो गया, तो यहाँ से वी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2KE/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस v को इस फॉर्मूले में डाल दो तो लैम्डा क्या हो जाएगा? एच अपॉन एम इंटू अंडर रूट 2KE/√ क्या हो जाएगा? m। ये बात दिख रही है बेटा? एक बार देखूँ इसमें, आ दिख रही है अभी तक, ठीक है? इधर देखो, अभी सुनो, ये m जब अंडर रूट में जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। वैसे तो आपको क्लियर ही होगा, ये m जब अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा? m स्क्वायर k इंटू 2 बनेगा। तो m से m कैंसिल, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, अंडर रूट 2m k। ये आपको बात समझ में आई? ये मैंने बॉक्स में तीसरा फॉर्मूला डाल दिया। अब सुनो ध्यान से आगे। फॉर सपोज मैं आपको बोलता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलता हूं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलता हूं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करता हूं तो उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, किसको? चार्ज को। काइनेटिक एनर्जी जूल में होती है ना, चार्ज जो है वो कूलम में होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको अगर मैं 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाता हूं तो वो किसकी एनर्जी के बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं इस बात को बस इस फॉर्मूले में डाल के एक नया फॉर्मूला बना लूंगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m ev। अब इसमें बात डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की हो सकती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास आपको डालना पड़ेगा, वोल्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि इतने वोल्ट से एक्सेलरेट करवा रहा है। गॉट इट? चलो अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ये। लैम्डा अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो 1.27 या 1.227 है वैसे, अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वी वोल्टेज है। ये शॉर्टकट क्यों बोला मैं तुम्हें? इधर सुनो, इसका शॉर्टकट है ये, पर ये केवल और केवल कौन से पार्टिकल की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। इसमें अगर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिया? 9.1×10^-31 kg। आप देखो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6×10^-19 coulomb। यस और नो? वोल्टेज अभी नहीं डाली है। फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट से बाहर निकालो, एच के साथ डिवाइड करो, कितना सारा कैलकुलेशन आपका बच गया, आप सोच के देखो। तो आप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के बारे में ही आएगा, तो शॉर्टकट अगर इस्तेमाल करना है वोल्टेज वाले फॉर्मूले के लिए तो ये शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हो। आर्मस्ट्रॉन्ग में है, मतलब 10^-10 meter, इससे मल्टीप्लाई आगे और हो रहा है। क्या आपको फॉर्मूले क्लियर हैं ये वाले? यस और नो?
करो नोट करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन देता हूं आगे करना। जितने बॉक्स में है वो फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए भाई। बढ़ जाएं बच्चों आगे कि नहीं बोलो, जल्दी करो जल्दी। कैलकुलेशन थोड़ी रहेगी, मैं आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको एक कैलकुलेशन बेस दूंगा और कैलकुलेशन थोड़ी सी हेल्प आउट आपकी हो जाएगी। एक बार देख लेना कैसे। ठीक है चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए इज 5×10⁻¹ मीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी इफ फाइंड द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। ठीक है फुल स्टॉप। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, वो तुम देखो कैसे निकालोगे, करो ट्राई करो।
किसका? तूने क्वेश्चन घर पे किए थे? 1 to 30 आगे, उसके आगे करो बे, अगला टॉपिक हो चुका है। देखो जो टॉपिक हो गया उसको पूरा करो। चलो मैं करवा देता हूँ। 10 की पावर 7 तो नहीं है। हाँ 10 की पावर -7 सही आंसर। चलो देखो, ठीक है भाई सुनो क्या दिया हुआ है आपको। पार्टिकल ए की वेवलेंथ दी हुई है, और सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए आपको। पहले मोमेंटम दिया तो मोमेंटम वाला लगाओ, और जब आपको पता है कि दो इक्वेशन पूछी हैं, एक का कुछ दिया और दूसरे का पूछा है, और उसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए। और आपको बोला है कि जो बी का मोमेंटम है वो आधा है किसका? ए का। तो बी की जगह हाफ ऑफ पी ए डाल दिया, पी ए, पी ए से पी ए क्या हो गया? कैंसिल। अब टू कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और लैम्डा बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। लैम्डा ए की वैल्यू कितनी थी? 5 × 10⁻¹ मीटर। तो लैम्डा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻¹ मीटर विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेशन बेस्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन देखना कि करोगे कैसे। बात ये, कभी गलती से आया कैलकुलेशन वाला तो स्कूल एग्जाम में कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10⁻²⁵ जूल, देन फाइंड इट्स वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला देखो कौन सा लगाओगे और वैल्यूज डालो और कैलकुलेशन शुरू करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। हाँ निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे मत बताओ। देखो स्कूल एग्जाम आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ना है और रूट में भी नहीं छोड़ना है। अब टास्क तो यही है सारा, रूट को सॉल्व कैसे करोगे? वो जैसे मर्जी तुम करो, वो तो अब नहीं। चलो मैं करवा दूं, चलो इधर देखो कैसे करोगे। देखो अब ऐसा है कि ये आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना तो मुझे नहीं लगता कोई टफ टास्क था, क्योंकि लैम्डा इज एच अपॉन क्या हो जाएगा आप लोग का, एम वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा लैम्डा इज एच अपॉन अंडर रूट टू एम, ये फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको दी है। तो H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, यूनिट मैंने चेंज कर दी, जूल सेकंड वाली नहीं डाली। 2 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल, जूल की यूनिट को चेंज कर दो, 1 जूल होता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो यूनिट भी आप देख सकते हो कि कैंसिल होनी चाहिए, तभी तो आपको पता लगेगा लैम्डा की यूनिट क्या है। मतलब लैम्डा की यूनिट ही पता नहीं लगेगी, गॉट इट? अब सुनो ध्यान से, होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको अलग सॉल्व कर लेना, मतलब जो अंडर रूट वाला पोर्शन है। अंडर रूट वाले पोर्शन में आप ध्यान से देखो कि 10 की पावर माइनस 31 और 10 की पावर माइनस 35, तो ये क्या बन गया 10 की पावर 56 हो गया। अब बाकी क्या बचा, बाकी बच गया 3 इंटू 9, इसको अप्रोक्सीमेटली 9 ले लो, 3 इंटू 9 इंटू 2, अरे बोलो यार, तो इसको अब बाहर निकाल लो। अच्छा मैं आपको ये यूनिट कैंसिल करवा देता हूँ, अंडर रूट में kg स्क्वायर है, बाहर जाके kg होगा और ऊपर से क्या हो जाएगा, अंदर मीटर स्क्वायर है, बाहर जाके मीटर होगा और एक मीटर क्या हो जाएगा, अंदर s माइनस 2 है, बाहर जाके s माइनस 1 होगा और ऊपर वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल, यूनिट केवल और केवल किस में बच रही है मीटर में, है ना? और अंडर रूट में क्या बच रहा है 10 की पावर माइनस 56, बाहर जाके 10 की पावर माइनस 23 होगा कि नहीं होगा बोलो यार, 10 की पावर माइनस 56, बाहर जाके 10 की पावर माइनस 23 और 9 बाहर जाके 3। अब अंडर रूट 2 इंटू 3 बचा है, तो रूट 2 और रूट 3 की तो वैल्यू बच्चों को याद होती है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 ले लो और रूट 3 की 1.732 1.7 ले लो। अब सॉल्व कर लेना, ये मैंने ऐड कर दी ना 10 की पावर माइनस नहीं 23 नहीं आएगी 28 आएगी, सॉरी माइनस 28, ठीक है, हाँ गॉट इट, 56 का माइनस 28 आएगा, ठीक है ना? अब ये आप कैंसिल आउट कर देना और अब आप सॉल्व कर लो, 3 को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आप उड़ा सकते हो, अब आप कर सकते हो, आई थिंक अब थोड़ा सा इजियर हो गया है ना। आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, आंसर ना नैनोमीटर में इसमें दिया हुआ है तो 896.7 नैनोमीटर है।
मतलब हुआ क्या होगा, आपका आंसर आएगा 896.7 इनटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, इसको इक्वल बना दिया गया 896.7 नैनोमीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपको ऑप्शन में देख करके डिसाइड करना पड़ेगा यूनिट क्या आपको रखना है, पर आपको सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।